कैसे हैं आप लोग, स्वागत है आपका मोटर हेड में। टाटा मोटर्स ने आज अनवील किया है उनका लेटेस्ट एस ईवी, जो इलेक्ट्रिक वेरिएंट है इनके मोस्ट पॉपुलर स्मॉल कमर्शियल व्हीकल एस का, जो 17 सालों से बेखूबी हिंदुस्तान की सड़कों पर दौड़ रहा है। इसकी मैक्स पावर है 36 bhp और 130 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, जो हेल्प करती है इसमें 208 क्यूबिक सेंटीमीटर का लोड उठाने में। प्लस इसमें 22% ग्रेडेबिलिटी है, ताकि आप स्लोप पे हों तो काफ़ी आसानी से नीचे रोल ना करें। इस गाड़ी को चार्ज करने में लगते हैं कम से कम 6 से 7 घंटे अगर आप होम चार्जर यूज़ करेंगे, लेकिन अगर आप फास्ट चार्जर यूज़ करेंगे तो आपको लगेंगे कुछ 105 मिनट। लेकिन आप फास्ट चार्जर हमेशा यूज़ नहीं कर सकते, तो एडवाइजेबल है कि होम चार्जर यूज़ करें। एस ईवी सिंगल चार्ज में चल सकती है 120 किलोमीटर एकदम लोएस्ट साइड पे, और मैक्सिमम साइड पे 154 किलोमीटर। यहाँ पे आपका चार्जर लगेगा, 6 से 7 घंटे लगेंगे आपको चार्ज करने में अगर आप घर पे चार्ज करेंगे तो। इसका और एक इंटरेस्टिंग फीचर है जियो फेंसिंग और लाइफ ट्रैकिंग, तो आप चाहे तो सिंगल व्हीकल या सारे व्हीकल्स एक साथ भी ट्रैक कर सकते हैं। गाड़ी अंदर से थोड़ी कंफर्टेबल है, और आई थिंक जितने भी कमर्शियल व्हीकल्स में मैं अभी तक बैठी हूँ, ये सबसे ज़्यादा टेक सैवी और कंफर्टेबल लग रही है। इसमें एक डिजिटल इंफोटेनमेंट सिस्टम भी है, जो उसमें रेडियो है, USB, अपना फ़ोन कनेक्ट कर सकते हो ब्लूटूथ से, इसमें चार्जिंग पॉइंट्स भी हैं, USB भी है, तो काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं इसमें। आपके पूरी व्हीकल इंफॉर्मेशन भी मिलेगी आपको, व्हीकल पैरामीटर्स दिए हुए हैं, आपके व्हीकल की स्पीड है, ड्राइविंग रेडीनेस है, डिस्टेंस बताया है, टाइम कितना लगेगा चार्ज होने में, तो काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी गई है यहाँ पे स्क्रीन पे। प्लस यहाँ पे मेरा सामने मेरा रेंज आएगा, मेरा कौन से गियर में गाड़ी है, न्यूट्रल में, ड्राइव में, तो मुझे यहाँ पे स्क्रीन पे सब दिख रहा है, डिजिटल स्क्रीन है, तो वो काफ़ी अच्छी चीज़ है। और इसमें एक रिवर्स पार्किंग कैमरा भी है, तो आपकी ड्राइविंग और ज़्यादा ईजी हो गई है। और ये ड्राइवर की सीट काफ़ी कंफर्टेबल है, और मेरी हाइट 5'7" है, और मेरे पास काफ़ी ज़्यादा लेग रूम है, हेड रूम है, मैं काफ़ी कंफर्टेबली बैठ सकती हूँ, शोल्डर रूम भी हैं, तो आई थिंक जो टॉलर हाइट के ड्राइवर होते हैं वो बहुत कंफर्टेबली गाड़ी चला सकते हैं, बैठ सकते हैं, दो लोग बैठ सकते हैं, बीच में थोड़ा सामान आ सकता है। यहाँ पे एक पॉकेट दी गई है आपके पेपर्स या कुछ रखने के लिए। यहाँ पे आपका डैशबोर्ड है, हालांकि सब प्लास्टिक है, बट ऑब्वियसली एक कमर्शियल व्हीकल है, तो आपकी ड्राइव तो कम्फर्टेबल है ही। आइए अब देखते हैं कि पीछे पेलोड में कितनी स्पेस है। इसका लॉक का सेफ्टी सिस्टम भी काफ़ी अच्छा है, अब इतना आसान नहीं है यहाँ से चीज़ें चोरी करने के लिए, आप इसको खोलो ऐसे, और यहाँ है इसके अंदर 208 क्यूबिक फीट की जगह, जिसमें आप अपना सारा सामान रख सकते हो, और जितनी अच्छी इसकी लॉकिंग सेफ्टी है उतना ही आसान इसको लॉक करना भी है। इसे लॉक करके आप इसमें यहाँ पर ताला लगा दो। इसमें एक स्पेयर टायर भी दिया है यहाँ पे। टाटा एस ईवी का प्राइस अभी तक रिवील नहीं हुआ है, कंपनी कहती है कि नेक्स्ट क्वार्टर में होगा जब इसकी डिलीवरी शुरू होंगी, और वो ये भी कहते हैं कि इसकी कॉस्ट ऑफ ओनरशिप एक डीजल व्हीकल से कम होगी। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, हमारा फ्यूचर आ चुका है, और मुझे लगता है जिस तरीके से इसके स्पेक्स हैं और कंपनी की एम्बिशंस है, ये एक डेफिनेटली हिट होगा कमर्शियल मार्केट में।